नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। देश में यह चुनाव 7 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भी 19 अप्रैल को प्रथम चरण में यह चुनाव होने जा रहा है, जिसके चलते चुनाव की घोषणा होने के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर जनपद के जिला प्रशासन ने सड़कों पर उतरकर बाजारों में लगे राजनीतिक होर्डिंग, बैनर और झंडों को उतरवा दिया है। देखिए, जैसा कि पता है, आज की डेट में ECI के द्वारा आचार संहिता लागू हो गई है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी नियम के अनुसार 24 घंटे के अंदर जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी पे जो भी पोस्टर हैं, बैनर हैं, होर्डिंग है, वॉल पेंटिंग है, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं उनको जो है उतारा जा रहा है और उनको मिटाया जा रहा है, जिससे कि किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार ना हो। उसके बाद किस तरह से परमिशन दी जाएगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार जब आप नामांकन कर लेंगे और प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, ECI की गाइडलाइन के अनुसार आपको समय दिया जाता है, उस समय में नियम के अनुसार आप परमिशन लेकर अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं।